संभल के गन्ने के खेत में ऐसा संगीत उभरा था कि यूपी पुलिस के अफसर बैजू बावरा हो गए थे। एनकाउंटर का ऐसा निर्दोष, निष्पाप और निष्कपट तरीका न तो देखा और न सुना। पहली बार पता चला कि घोड़ा न चले तो बंदूक की नाल थामे आदमी तानसेन हो जाता है। अरे मारो, देरो, 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 देरो। क्या क्या आलाप रचा था सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने गन्ने के खेत में। अरे मारो, देरो, 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 देरो। और तभी लग गया था कि बंदे को इसके लिए पुरस्कार मिलना ही चाहिए। इस संगीत पर मुग्ध होकर साहब ने पुरस्कार के लिए नाम बढ़ा दिया है, अदम्य साहस का पुरस्कार, कि जिस काम में यूपी पुलिस की बंदूक फेल हो गई उसे भाई की जुबान ने कर दिखाया। हमारे अन्य जो साथी थे वहाँ पे ऑपरेशन में लगे हुए थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उसने ये प्रयास किया और घेरो घेरो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ठाए ठाए की आवाज निकाली उसने। पारखी नजर यही तो है। अच्छा, यूपी पुलिस के साहब लोग जौहरी होते हैं, हीरा पहचानने में भूल नहीं करते। समझ गए कि एसआई की जुबान पर एक साथ सरस्वती और दुर्गा दोनों विराजमान है। ऐसा आदमी यूपी पुलिस की शान है। वैसे एसआई साहब को तो कई श्रेणियों में पुरस्कार मिल सकता है। बंदूक छोड़कर जुबान से निराली धुन निकालने के लिए संगीत का पुरस्कार, पर्यावरण बचाने का पुरस्कार मिल सकता है क्योंकि बारूद का धुआं नहीं फैलने दिया, शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए कि धाए धाए की बजाय ठाए ठाए से ही काम चला लिया। पाकिस्तान वाले भी बहुत डरे हुए हैं, कहीं इसको मिसाइल विसाइल की आवाज निकालनी आती होगी तब तो उसकी पलटन को गन्ने का खेत खोजना पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।